Welcome everyone in the another session of Fluid Mechanics and Hydraulic Machines. In this session, we are going to discuss about the different types of fluid flow, that is different patterns of fluid flow. So first of all, let us start with the visualization of these flow patterns. तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि किसी भी फ्लो पैटर्न का विजुअलाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है. जब भी कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड के अराउंड मूव करता है तो लिक्विड एक स्पेसिफिक पाथवे को फॉलो करता है. यानी कि अगर उस पाथवे का हम स्टडी कर लें तो सिंपली जो लिक्विड से लगने वाली रेजिस्टेंस है उस ऑब्जेक्ट के मोशन पे, उससे हम डील कर सकते हैं. जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं कि एक कार जो कि एयर में मूव कर रही है, एयर कॉन्स्टेंटली उस पर रेजिस्टेंस लगा रही है, तो एयर की रेजिस्टेंस के कारण कार में ड्रैग क्रिएट होता है जिससे कि कार का आगे मूव हो पाना बहुत टफ हो जाता है. तो कार की सरफेस को हम ऐसे डिजाइन करते हैं कि वो इजीली विद इन द एयर चल सके विदाउट एनी रेजिस्टेंस. हालांकि रेजिस्टेंस फ्री कर पाना तो बहुत ही टफ है, बट अगर हम इसकी मोशन को यानी कि एयर की मोशन को उस पर स्टडी करें तो हम इजीली इस रेजिस्टेंस को रिड्यूस कर सकते हैं और इसीलिए फ्लो पैटर्न का विजुअलाइजेशन इंपॉर्टेंट है. आज की टेक्नोलॉजी में फ्लो पैटर्न्स को विजुअलाइज कर पाना काफी इजी हो गया है बिकॉज ऑफ मेनी ऑफ द सॉफ्टवेयर्स दैट कैन इजीली कंप्यूट द फ्लूइड डायनामिक्स. और इसके लिए एक स्पेशली डेडिकेटेड सब्जेक्ट भी है दैट इज कॉल्ड कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स, जहां पर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहे फ्लूइड की डायनामिक्स को स्टडी करते हैं. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इसकी स्टार्टिंग कहां से होती है, जो कि है स्ट्रीम लाइन्स. सो व्हाट इज स्ट्रीम लाइन? स्ट्रीम लाइन कैन बी डिफाइंड एज द पाथ टेकन बाय अ पार्टिकल ऑफ अ फ्लूइड अंडर द स्टेडी फ्लो कंडीशंस. वी आर स्टडिंग ऑल दिस फॉर द स्टेडी फ्लो कंडीशन. सो अगर एक फ्लूइड जो है वो स्टेडीली मूव कर रहा है तो हर फ्लूइड पार्टिकल का जो पाथ होगा वो एक स्ट्रीम लाइन क्रिएट करेगा. या फिर सिंपली हम कह सकते हैं कि स्ट्रीम लाइन एक इमेजिनरी लाइन है जिसके हर पॉइंट पे, स्ट्रीम लाइन के हर पॉइंट पे जो एक टेंजेंट होगा उस पॉइंट का, वो उस पॉइंट पर रहने वाले पार्टिकल की वेलोसिटी शो करेगा, वेलोसिटी वेक्टर स्पेसिफिकली. अब जैसा कि यहां पर फिगर में हमको दिख रहा है कि ये जो फर्स्ट फिगर है इसमें फ्लो लेमिनार है, दैट मींस कि वाटर जो है वो एक ही लेयर में मूव कर रहा है और लेयर्स एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही हैं. सो जब लेयर्स क्रॉस नहीं करती हैं तब स्ट्रीम लाइंस भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं. और स्पेसिफिकली स्ट्रीम लाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं, उसके कुछ रीजंस हैं जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे. But right now, it will not cross each other and the layers will be parallel to each other. जबकि दूसरी इमेज में आप देख सकते हैं कि फ्लो जो है वो एक स्पेसिफिक पाथ फॉलो करने के बाद टर्बुलेंट हो जा रहा है. और टर्बुलेंट फ्लो में नॉर्मली स्ट्रीम लाइन्स जो हैं, वो इतनी अच्छी जनरेट नहीं होती हैं जितनी लेमिनार फ्लो में जनरेट होती है. इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? So, इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि फ्लो जितना लेमिनार या फिर स्ट्रीम लाइन्स जितनी क्लियर होंगी, उस फ्लूइड में किसी ऑब्जेक्ट का ट्रेवल कर पाना यानी कि जो हर्डल्स हैं वो उतने ही कम हो जाएंगे. सो जो फिगर आपके लेफ्ट साइड में है उसमें देखिए जो फर्स्ट फिगर है विच इज शोइंग दैट रेजिस्टेंस इज 100%. सो 100% रेजिस्टेंस में स्ट्रीम लाइन्स जो है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जा रही है, जबकि जहां पर लीस्ट रेजिस्टेंस है यानी कि जो लास्ट फिगर है दैट इज 5% रेजिस्टेंस, वहां पर हम देख सकते हैं कि स्ट्रीम लाइन्स जो है वो बहुत अच्छे से डेवलप हो रही है. दैट मींस अगर कोई ऑब्जेक्ट वैसे फ्लूइड में ट्रेवल कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी हाईएस्ट होगी और रेजिस्टेंस जो होगा उस पर लीस्ट होगा. इसका हम एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी देखेंगे एट द एंड ऑफ वीडियो. अब हम स्ट्रीम लाइन की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं. The first property is streamline does not cross each other. नीचे दी हुई ये सारी फिगर्स में हम देख सकते हैं, फर्स्ट फिगर जो है वो पाइप का इनलेट बताती है, सेकेंड फिगर एक एरोफॉइल ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फ्लूइड कैसे ट्रेवल करेगा वो बता रही है,
जबकि थर्ड फिगर में हम देख सकते हैं एक सिलेंडर के अराउंड एक लिक्विड मूव कर रहा है, तो वो कैसे स्ट्रीमलाइंस क्रिएट कर रहा है। और तीनों ही केस में स्ट्रीमलाइंस जो है वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही है। सो स्ट्रीमलाइंस एक दूसरे को क्रॉस क्यों नहीं कर सकती है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था, दैट एक स्ट्रीमलाइन जो है उस स्पेसिफिक पॉइंट पे अगर एक टेंजेंट हम ड्रॉ करें स्ट्रीमलाइन के स्पेसिफिक पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पर जो पार्टिकल है वो टेंजेंट उसकी वेलोसिटी वेक्टर डिनोट करेगा, यानी कि नेक्स्ट मोमेंट में वो ऑब्जेक्ट उस डायरेक्शन में मूव कर सकता है। अब एग्जैक्टली अगर दो स्ट्रीमलाइंस एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो एक स्पेसिफिक पॉइंट पे दो वेलोसिटी वेक्टर्स जनरेट होंगे, जो कि हमें पता है इम्पॉसिबल है। एक पार्टिकल कोई दो डायरेक्शन में नेक्स्ट इंस्टेंट पे ट्रेवल नहीं कर सकता है। सो दैट्स व्हाई स्ट्रीमलाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। द सेकंड अजम्पशन इज और द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्ट्रीमलाइन इज द मास ऑफ फ्लूइड कैन नॉट मूव अक्रॉस द स्ट्रीमलाइन। अगर कोई भी मास स्ट्रीमलाइन के अक्रॉस मूव करेगा दैट मींस कि वो स्ट्रीमलाइन को परपेंडिकुलरली कट कर रहा है, और स्ट्रीमलाइन के अक्रॉस अगर वो ऑब्जेक्ट या फिर वो मास मूव कर रहा है तो स्ट्रीमलाइंस पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, जैसा हमने फर्स्ट फिगर में देखा था एट 100% रेजिस्टेंस। सो स्ट्रीमलाइंस का इम्प्रॉपर जनरेशन ही बताएगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो हर्डल है और स्ट्रीमलाइंस जो है वो क्रिएट ही नहीं हो रहे हैं। देन द स्ट्रीमलाइन क्लस्टर डेंसिटी रिफ्लेक्ट्स द वेलोसिटी और द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, यानी कि स्ट्रीमलाइंस का क्लस्टर जितना क्लोज होगा, यानी कि अगर ये आप एक सरफेस देख रहे हो इसके ऊपर से अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, यानी कि अगर कोई फ्लूइड मूव कर रहा है, तो उसकी स्ट्रीमलाइंस अगर एकदम क्लोज है दैट मींस कि वेलोसिटी जो है फ्लूइड की वो हाईएस्ट है, या फिर अगर ये ऑब्जेक्ट उस फ्लूइड में मूव कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी हाईएस्ट है एंड वाइस वर्सा। यानी कि अगर रेजिस्टेंस हाई है तो रेजिस्टेंस हाई इसका मतलब हर्डल हाई है, और उसका मतलब ये है कि ड्रैग भी बहुत ज्यादा लग रहा है जिसके कारण फ्लूइड जो है वो मूव नहीं कर पा रहा है, यानी कि उस ऑब्जेक्ट को बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस मिल रही है। देन द सीरीज ऑफ स्ट्रीमलाइन रिप्रेजेंट्स द फ्लो पैटर्न एट एन इंस्टेंट। सो एट एनी इंस्टेंट द स्ट्रीमलाइंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो पैटर्न्स। सो फ्लो पैटर्न को हम स्ट्रीमलाइन से इजीली समझ सकते हैं एट एनी इंस्टेंट। सो नाउ लेट अस सी व्हाट इज स्ट्रीम ट्यूब। स्ट्रीम ट्यूब नॉर्मली क्लस्टर होता है स्ट्रीमलाइंस का, यानी कि समझिए कि एक पाइप में से फ्लूइड फ्लो कर रहा है, दैट इज अ स्टेडी फ्लो, दैट मीन्स इट विल क्रिएट अ नंबर ऑफ स्ट्रीमलाइंस। अगर उन स्ट्रीमलाइंस को ज्वाइन कर दिया जाए तो एक परफेक्ट ट्यूब लाइक शेप बनेगा विच इज कॉल्ड स्ट्रीम ट्यूब। दैट मीन्स कि उस स्ट्रीम ट्यूब में जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उस ट्यूब की बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर रहा है। सो सिंपली दैट विल गिव यू अ कंट्रोल वॉल्यूम ऑफ अ स्ट्रीम लाइन। सो वॉल्यूम फ्लो रेट मस्ट बी सेम एट ऑल क्रॉस सेक्शंस ऑफ द स्ट्रीम ट्यूब। ओके, वॉल्यूम फ्लो रेट दैट मीन्स जो हमने लास्ट लेक्चर में कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ा था, तो पूरे ही क्रॉस सेक्शन में यानी कि थ्रू आउट द सिस्टम डिस्चार्ज रेट जो है वो कॉन्स्टेंट होना चाहिए। द नेक्स्ट वन इज फ्लूइड विद इन द स्ट्रीम ट्यूब मस्ट नॉट क्रॉस द बाउंड्री ऑफ स्ट्रीम ट्यूब विच वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड हियर। सो नाउ इन दिस फिगर यू कैन सी दैट हाउ फ्लूइड पैटर्न आर क्रिएटेड। लिक्विड जो है फ्लूइड जो है एयर वो एक टर्बाइन के एंट्रेंस से लेकर एग्जिट तक कैसे मूव करती है और किस टाइप से एक ट्यूब का जनरेशन होता है वो हम यहां पर इस फिगर में देख सकते हैं। Now let us discuss about the streak lines, which are a bit different from streamline. So streak line kya hota hai? The curve that gives an instantaneous picture of the location of fluid particles that have passed through a given point. So agar ek specific point, yani ki agar pipe ki entrance hai, wahan par ek specific point aap choose kar lo, aur wo point se nikalne wale har particle ko अगर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पर लोकेट किया जाए तो उस लाइन को हम कहते हैं स्ट्रीक लाइन। यानी कि वो एंट्रेंस से लेकर जो फर्स्ट पार्टिकल जहां से आपने स्टडी अपनी स्टार्ट की है वो सारे पार्टिकल्स को अगर ज्वाइन कर दिया जाए उस स्पेसिफिक पॉइंट से निकले हुए सारे पार्टिकल्स को, तो जो लाइन हमें मिलेगी दैट विल बी कॉल्ड स्ट्रीक लाइन। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, जो फर्स्ट फिगर है वहां पर एक कार के ऊपर स्ट्रीक लाइन को डिनोट किया गया है, यानी कि एक पॉइंट से निकलने वाले उन सारे पार्टिकल्स को हमने एक पाथ में ज्वाइन कर दिया है।
तो वो सारे पार्टिकल्स का एट अ इंस्टेंट जो इमेज बना है दैट इज कॉल्ड स्ट्रीक लाइन। सिमिलरली सेकेंड फिगर में भी हम नोट कर सकते हैं कि नोजल का जो आउटलेट है वो बहुत ही छोटा है, बहुत ही माइन्यूट है। तो हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि वो नोजल के एंड से सिर्फ एक ही पार्टिकल एट अ टाइम निकल सकता है। तो अगर उनके पाथ को आप ट्रेस करोगे तो दैट विल बी कॉल्ड स्ट्रीक लाइन फॉर दैट स्पेसिफिक पॉइंट। Now let's discuss about the another pattern of fluid flow, that is path lines. So path line basically क्या होता है कि एक particle, कोई भी एक particle जिस path को trace करता है during the flow, that is called path line. For example, हम यहां पर देख सकते हैं जैसे कि second जो figure है उसमें अलग अलग particles P1, P2, P3, P4 के paths को trace किया है. So path line can cross easily each other. स्ट्रीमलाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती हैं, बट पाथ लाइन कैन क्रॉस ईच अदर। ओके, सो डिफरेंट पाथ्स हैव डिफरेंट पाथ लाइन। जस्ट हमको सिर्फ इतना समझना है कि इनलेट से आउटलेट तक उस पार्टिकल ने कौन से पाथ को ट्रेस किया है। ओके, नाउ फॉर अ स्टेडी फ्लो विच इन स्टार्टिंग वी हैड डिस्कस्ड, स्टेडी फ्लो के लिए स्ट्रीमलाइन, पाथ लाइन एंड स्ट्रीक लाइन ऑल विल बी सेम, बिकॉज वहां पर हर पार्टिकल एक स्पेसिफिक पाथ को फॉलो करेगा और उसे ट्रेल करने वाला पार्टिकल यानी उसके पीछे जो पार्टिकल होगा वो भी उसी पाथ को फॉलो करेगा। सो ऑल थ्री लाइंस इन दैट केस विल बी सेम। सो यहां पर तो हमने ये समझ लिया कि स्ट्रीम लाइन क्या है, बट उसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, बहुत सारी स्टडीज हैं एरोप्लेन का डिजाइन, शिप्स का डिजाइन, एज वेल एज कार्स का डिजाइन एरोडायनामिक्स से होता है। और यहां पर एक वीडियो है जो कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल है किस तरह ये साइक्लिस्ट इस स्ट्रीमलाइन के कंसेप्ट को यूज करके एयर के रेजिस्टेंस को रिड्यूस कर रहा है, यानी कि ड्रैग जो है उसे वो लीस्ट कर रहा है बाय रिड्यूसिंग द सरफेस एरिया। यानी कि साइक्लिस्ट जो है वो वर्टिकल पोजिशन से हॉरिजोंटल पोजिशन पर है, हॉरिजोंटल पोजिशन में लीस्ट ड्रैग लगेगा जबकि वर्टिकल पोजीशन में मैक्सिमम ड्रैग लगेगा। सो ये साइक्लिस्ट इस फैक्ट का यूज करके देखिए लास्ट पोजीशन से फर्स्ट पोजीशन पर आ गया है। सो सिंपली दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ स्ट्रीम लाइन्स विच आई हैड ट्राइड टू शो यू विद द सिंपलेस्ट एंड लाइव एग्जाम्पल। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक वेल। Now here are some important questions from the above topic. You can try out these by clicking on the Google link given below in the description. Thank you for watching the video.